पिछले व्लॉग में आपको इसी गाड़ी के अंदर मिले थे और इसी गाड़ी से निकल रहे हैं नए व्लॉग के अंदर और आपको दिखाते हैं कि ये वाला ट्रक हमने लिया नया और ये लाइटों के ऊपर कवर लगे हुए हैं इसके। ये रात में मूस दिखाई देगा तेरे को सीधा। ये कवर बहुत बढ़िया लगा, आधा कवर लगा हुआ। ये दूसरी लाइट है इसके अंदर, ट्यूब लगी हुई है तुझी। दोनों कस्केडी है भाई, भाई भाई, लेकिन अपने आगे मूस बम्पर नहीं है, इसके आगे मूस बम्पर है ना। तो भाई ने पीटर बैट बेच दिया, अभी बताएगा यही कि क्यों बेचा है, लेकिन अभी कस्केडिया ले लिया। बेचा बस हूँ, महंगा बदल के चला के देख लिया बहुत टाइम हो गया इसने पीटर बैट चलाया, लेकिन कैट की मोटर थी वो, लेकिन उसका ना क्या होता है 565 मोटर थी इसके पास में। अभी एक ही सिंगल ट्रेलर होता है, तो 565 जो है ना वो होती है पी ट्रेन के लिए मोटर, कैट की मोटर। उसकी एवरेज होती है दो की, चाहे खाली चलाओ, हाँ दो की भी नहीं देती, खाली चलाओ लोडेड चलाओ दो की एवरेज। लेकिन कस्केडिया जो फ्रेट रनर है एवरेज के लिए माना गया ये पूरा। अभी इसकी एवरेज तीन की है, जैसे अपने वाला भी तीन की देता है, ये भी तीन की एवरेज देता है। अभी इसकी मोटर ली 500 की हमने, चल दिखा अंदर से कैसा है। ओ डने देखो भाई कितने मोटे डने हैं, ये 8x8 है ना, ये 9x9 के डने हैं। ओके 8x8 के डने हैं भाई। खोली, तू अकेला उठाता फिर इतने डने हैं, क्या कह रही हेल्प ले ली है। स्केडिया तो खुला बहुत लगा हुआ अंदर ना, होटल की तरह लगता है ना, पूरा होटल वाली फीलिंग आती है। देखो ऊपर बक्से ही बक्से, इसके ऊपर वो बेड नहीं है क्योंकि ये सिंगल बंदे ने चलाना था, बेड लिया नहीं, नया नहीं है, थोड़ा चला हुआ लिया, लेकिन नया जैसा ही है पूरा माहौल। मैं भी सलाम मार दूं अपने वाले को, मार दे मार दे मार दे। हमारा तो गंदा ही बहुत हुआ पड़ा है, लेकिन कर्मा वाला ट्रक है भाई, जिसने इतना अपना साथ दिया है। मैं आया हूँ भाई के साथ में उसको छोड़ने के लिए, मैंने जाना है सुबह, तो मैं तो अभी घर में ही जाऊँगा वापस, उसी के घर में जाऊँगा। साथ में चाबी लेके आया हूँ कि मैं ना एक बार इसका सलप सुलप चेक कर लेते हैं। कल हम बंद करके गए थे ना ये वाला, जब सुबह सुबह ट्रक स्टार्ट करना होता है ना तो आपको इसकी वेट करनी पड़ेगी, हवा कहीं से लीक हो रही है। बाबा जी पड़ा करना, देखा मुश्किल से स्टार्ट हुआ ना इस ट्रक की ना बैटरियों को कुछ है प्रॉब्लम, कुछ कमी है। अभी ठंड नहीं है बाहर, प्लस टेम्परेचर है, अगर माइनस टेम्परेचर होता है एडमिंटन में तो इसको बूस्ट देना पड़ता, लेकिन अभी मैं इसको आधा घंटा स्टार्ट करके हाई आरपीएम पर रखे जाऊंगा। लेकिन जब आपने ट्रक स्टार्ट करना है उसी टाइम इसकी रेसिंग नहीं देनी शुरू कर देनी। अभी देखो उसका आरपीएम कैसे हिल रहा है ना, क्योंकि ट्रक का कूलेंट बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। इसको इसकी हालात पे छोड़ो कम से कम 3-4 मिनट के लिए जब आप प्लस टेम्परेचर में हो, उसके बाद में इसका आरपीएम अप करके वेट करो। तो मैं पीछे जाके एक बार टायर टप्पा देख लेता हूँ, एक बार पीटीआई हो जाएगी। मेरा रेडियो ही और है, रेडियो ही और है, कोई लैड लैड है क्या, और लैड है बिल्कुल लैड वन करके भेजना। हेलो हेलो हेलो, पिछले का लैड, हां वेल लैड लैड वन कितना कितना जाने, हां कितना कितना, ओए आ गई हो आवाज, आ गई ओए आ गई आ गई, हम दूजे नहीं मार के आवाज देखी ऐसे भाई लगा के कानों को हाथ, तो ड्राइवर फिर निकलता है अपने काम के लिए, खाना पाना लेके सारा सामान लेके एक आध हफ्ते के लिए भाई अभी निकल गया अपने काम पे। इसके पीछे भी जो इसका ट्रेलर है ना वो इसका अपना ही है, तो ट्रक भी इसका अपना है, तो बाबा जी बड़ा करें भाई, हर एक बंदा अपनी अपनी मेहनत करने के लिए जाता है। जो पहले वाला पीटर बैट था ना उसकी मोटर इतनी हैवी थी, इसकी मोटर के हिसाब से दोनों का एवरेज का जहाँ महीने का $2000 तक का फर्क पड़ जाएगा डीजल डीजल का, तो ये सिस्टम होता है। चलो ओके बेटा मिलते हैं, ओके ओके अनका बढ़िया सेक्सी लगी आई और ये आड़ी टर्न वाला करने हैं चल ठीक है चल निकल। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हालचाल, चढ़दी कला होनी चाहिए है। अगर आपने पूरी वाली सीरीज ये देख ली है तो आपको मज़ा बड़ा आया होगा, और आपके कमेंट पढ़ पढ़ के मेरे को बड़ा मज़ा आया। अभी फ़िलहाल मैं इसके घर में वापस जा रहा हूँ, तो भाइयों जैसा प्यार हो जाता है, बाकी फिर कोई चीज़ रह गई उसकी, उसने ब्रेकें मारी हैं। ओ यार सब तो काम की चीज़ें करे छड़ चलिया वा, ड्राइवर का खाना कर रह जाएगा ना तो बाजार से लेके खा लेगा, लेकिन इसको लेने के लिए $400-$400 चाहिए भाई। सही बात है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ओके भाई मिलते हैं फिर। ओके सर, ओके तेरा भरा, ध्यान ना जाए। तो ये वाला ट्रक इसको पड़ा 70,000 का, 8 लाख के पास में चला हुआ है, तो बड़ा साफ ट्रक मिल गया ऊपर वाले की कृपा है। चलो और सही चलना चाहिए, क्योंकि बंदा अपने अच्छे के लिए ही कोई कदम उठाता है। एक साल में इसको $20,000 का भी तेल बच गया, कहाँ बात जाती है ना।
ऊपर वाला भाई अपने सारे ड्राइवर भाइयों के ऊपर अपनी कृपा बनाई रखे, क्योंकि हर एक बंदा जब अपना घर छोड़ता है ना एक आध हफ्ते के लिए, चलो मेरे को 2 हफ्ते हो गए, मेरा काम अलग है, कुछ कमाने के लिए अपना घर परिवार चलाने के लिए निकलता है। भाई ट्रक भाई ट्रक कर लिया हमने स्टार्ट, और इस बंदे को आप जानते हैं ना, ये हमारा जगत चाचा एडमिंटन वाला। ये कभी टैक्सी पे होता है, कभी ट्रक पे होता है। इसके पास में इतने काम है कि अगर आपके पास में काम नहीं है तो चाचे को मिलो। जैसे वो इंडिया में लिखा होता है ना, दुल्हन चाहिए दादाजी को मिलो। एडमिंटन में काम चाहिए चाचे को मिलो। जहाँ भी दिखी समझो भी चाचा ही है इसमें, चाचे की पूरी चढ़ाई है यहाँ पे। ठीक चाचा तेरा बड़प्पन आया था। फौजियों का टैंकर है भाई, उनको जाके दे के आते हैं, हाथ जोड़ के सस्ती कल बुलाएंगे कि बाबा जी शुक्रिया, ये लो अपना टैंकर और हमको छुट्टी दो। जिस साइड में मैं रह रहा था ना, वहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर दूसरी साइड में शहर के, वहाँ पे जाके ये टैंकर उतारना है। लेकिन इसका इतना काम नहीं है, टैंकर जाके उतारेंगे काम खत्म। अभी ये आगे वाला लोड उठाना है, मसला तो वो है। कहीं टार पे टूर पे ना दे दे भाई। एडमिंटन शहर में स्नो का नामो निशान ही खत्म हो गया देखो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कनाडा में जो ये किसी का शूज रह गया भाई। ओहो टॉवर देखो भाई, आर्मी की टॉवर होती है, एक पर्सनालिटी होती है। हेलो सर। हेलो हाउ आर यू? गुड यूरसेल्फ? नॉट बैड सर। साइन करके पेपर दे दिए, बोलता है जाओ वहां पे ड्रॉप करो, ड्रॉप करके तत्तर हो जाओ यहाँ से, तत्तर मेरे अंगने में, तुम्हारा क्या काम है। वाह 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 वाह। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा आया होगा पूरी की पूरी पलटन वहां से मूव करने का, सारा सामान ए टू जेड वहां से मूव करने का। अभी यहाँ से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा, लिखा तो हुआ है। ऊपर से घुमा के लेके आते हैं, क्यों रूल तोड़ने आर्मी के, वो बाद में अपने को तोड़ेंगे। अच्छे तरीके से ड्रॉप करके देंगे भाई, आर्मी का काम है। वो इसका हैंडल उल्टी तरफ लगा हुआ है। एक चीज तो मैं भूल ही गया, तरफ जाके तो पीटीआई करनी मुश्किल है इसकी भाई। ये शावल के पुराने टायर लगते हैं, नए तो है नहीं ये। ये फिरकी बड़े काम की चीज है भाई, इससे आपके हाथों को बड़ी रेस्ट मिलती है। ये भाई वेस्टर्न स्टार का ट्रक है, इसकी पर्सनैलिटी देखो यार, मेरा तो दिल खुश हो जाता है जब मैं इसको देखता हूँ ना। बड़ी खतरनाक सी किलिंग लुक है इसकी, दिल आ जाता है इसको देख के। खाने के लिए बर्गर उठाए हैं भाई, कोई याद हो नहीं रहा, गर्मी होगी एडमिंटन में भाई, प्लस 16 डिग्री टेम्परेचर है, बॉटल तो कार वाला हिसाब हो जाता है। सॉरी गाइस, बैग लेना पड़ेगा भाई, गलत रूट के ऊपर आ गया, आगे नो ट्रक रूट का साइन है, आज मैंने ट्रक वाला जीपीएस नहीं लगाया, उसकी वजह से चक्कर चल गया भाई, किसी के घरों में घुसा दिया मैंने। ठोकने के बगैर हमने यहाँ से ट्रेलर वापस लेके जाना है भाई। मालूम नहीं कौन से घरों में घुस गए।
थैंक यू। ये देखो निशान, देखो नीचे निशान दिखाई दे रहा है काले रंग का, वो मोटर होम वाला बंदा था, उसके टायर फट गए या क्या हो गया, यहाँ से घसीटता हुआ जा रहा है। ये देखो आजा आजा भाई आजा आजा आजा, बड़े वाली बस है उसके पास में मोटर होम की। देखो तकरीबन इसका रेट होता है $4-5 लाख के पास में, ये पूरी लग्जरी होती है ये वाली। और इसका टायर जो है ना फट गया, कोई पता नहीं गोरों के अंदर बैठ के आराम से वाइन पी रहा होगी, कोई नहीं हो गया हो गया, टायर वाला बना रहा है। ये लोड है भाई जो अपने ट्रेलर के ऊपर रखेंगे, 9 टन है, 5.9 टन, टोटल 50,000 पाउंड की है ये। ये एक मशीन थी, ये बड़ी वाली जो टावर क्रेन होती है ना उसका पार्ट है। लेकिन एक गलती मेरे से क्या होगी कि जब हमने पीटर पैड से सारा सामान निकाला ना, तो मैंने अपना हेलमेट नहीं निकाला उसमें से, मतलब कि उसमें से हेलमेट दो थे, एक ले जाना चाहिए था, गलती हो गई। अभी मेरे पास हेलमेट नहीं है, अभी मालूम नहीं ये मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, मार दिए जाए या छोड़ दिए जाए, इनके पास में दो ऑप्शन होगी, अभी देखते हैं क्या करते हैं। ज़्यादा चौड़ा तो नहीं होगा, पूरा पूरा आना चाहिए भाई। कितनी हेल्प कर रहे हैं देखो, नीचे उतरने के लिए समुंदर है अपने, उन्होंने बेचारों ने ये लकड़ी लेके लेके आए कि इस पर पैर रखो फिर आओ। रखा गया अपने ट्रक के ऊपर ये वाला लोड, अभी चेने डाल रहे हैं इसके ऊपर, ये पाजी हमारी हेल्प कर रहे हैं भाई। नदान बंदे, कोई ना कोई हेल्प वाला मिल जाए ना, जिंदगी आसान हो जाती। चैने मारने में भाई एक कला होती है जो मेरे को अभी तक नहीं आई। ऐसी चैने बांधेंगे ना खोली जाएगी ना काटी जाएगी। ओह यस, ये जो टावर क्रेन होती है ना ये बड़ी महंगी होती है, तो उनकी डिमांड होती है कि बेल्टे कहाँ पर मारनी है, उन्होंने हमको जगह बताई है सारी। बोलते यहाँ पे नीचे सपोर्ट है ना ये वाली लकड़ी की, उसके ऐसा आगे पीछे उसके ऊपर आप बेल्टे मार सकते हो। नीचे उसके पांव देखो कैसे लकड़ी में घुस रहे हैं, देखो यहाँ पे वो अलाउड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने एक फसा लेनी है, बाहर जाके टैड कर लेंगे, उनके सामने कम टैड करेंगे, वो भी खुश हम भी खुश। लोड हमारे पास 50,000 पाउंड है, उसके हिसाब से एक बेल्ट होल्ड करती है। आपको हर जगह हर बेल्ट के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ये देखो 5,300 पाउंड लोड को होल्ड करेगी एक बेल्ट। तो कानूनी तौर के ऊपर हम 9 बेल्टों के साथ में लीगल हैं, लेकिन हमने 10 बेल्टें डाली हैं, बल्कि 6 बेल्टें 4 चेनें, तो उसको डिवाइड कर लो 5,000 से, मैं काउंट करता हूँ एक चेन को एक बेल्ट को, तो 50,000 पाउंड हो गया। तो इससे ऐसे अपना लोड बांध के जाना पड़ता है, चाहे जगह है चाहे नहीं है, चाहे उसको ज़रूरत है चाहे नहीं है, लोड बांधना ही पड़ेगा आपको उतनी बेल्टें मार के, तो पुलिस वाला आपको कहीं भी टिकट दे देगा। यहाँ से अपने और भी ट्रक लोड हो रहे हैं, जैसे जैसे लोड होते जाएंगे वैसे वैसे निकलते जाएंगे। अभी हमने फाइनली हम ये वाले व्लॉग में विनीपेग पहुंच जाएंगे, ऐसी आस है, बाकी देखते हैं क्या होता है। बिना गोरों को छुट्टी हुई है, इनको मालूम है कि ट्रक वाले बंदर निकलना है, लेकिन लेस ही कि ये अपने को राह देते नहीं देते, किसी ने राह नहीं देना इनमें से, कोई एक आध बंदा सियाना आएगा, बाकी सारे छुट्टी के टाइम पे ऐसे भागते हैं जैसे मालूम नहीं पीछे कौन सी मक्खियां लगी हुई हैं। भाई हमने भी घर जाना है, रास्ता दे दो। थैंक यू सर जी, थैंक यू आपका बहुत सारा थैंक यू, आपके आगे मैंने जैसे अपना मुंह घुसाया उसी टाइम आपने ब्रेकें मार के मेरे को रास्ता दे दिया, थैंक यू वेरी मच सर। भाई कौन कौन मिस करता है ये वाले सिस्टम को, बाइक को भाई इतना बिजी हो गए ना फट्टे के चक्कर में कि बाइक के लिए टाइम ही नहीं रहा अपने पास। लेकिन कभी कभी ऐसा देख लेता हूँ, दिल बहुत करता है कि भाई क्या बात है, बाइक कभी हम चलाया करते थे दिन रात, अभी तो माहौल ही चेंज हो गए। अभी तो हम लोकेशन नई नई पे जा रहे हैं, तो बाइक वहाँ पे जा नहीं सकती। जहाँ मैंने रुकना है ना भाई, सैस्का टून वाला हस्की का पंप है ये,
और एक भी पार्किंग स्पॉट खाली नहीं, इतना बिजी है आज मंडे नाइट है ना। ये सिर्फ दो बॉब ट्रेलें लगी हुई हैं, अपना जो लोड है ना वो काफ़ी वाइड है यहाँ से, लेकिन मैं ट्रक के अंदर ही हूँ, अगर किसी को उठाना होगा तो मेरे को उठा लेंगे। सबका सोचना पड़ता है, ये सामने तीन ट्रक लगे हुए, ये भी निकल जाएंगे आराम से, इनके सामने काफ़ी जगह है। मेरी ये बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को होता है कि कोई बंदा सुबह मेरी वजह से फंस ना जाए। ये ना भाई ट्रेलर का लिफ्ट एक्सल होता है, अभी मैंने लिफ्ट कर दिया ऊपर, वेट हो गया 90 पे जो कि ओवर वेट हो गया। अगर मैं इसको लोअर करता हूँ ना तो ये स्विच 40 पे आ जाती है, देखो अभी वो पीछे वाला टायर जो है ना वो नीचे लग गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ट्रेलर के टायरों में और ट्रेलर में गैप कितना है, लेकिन अभी देखो गैप कम हो रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि कोई ना कोई चीज़ में गड़बड़ है, जब हम वो वाला टायर नीचे लगाते हैं ना तो ये वाले एयर बैग जो है प्रॉपर इन्फ्लेट नहीं हो रहे। ये देखो अभी नीचे आ गए ना, ये धीरे धीरे और नीचे आ जाएंगे, और ये टायर का गैप है वो कम होके बिल्कुल नीचे आ जाएगा। अभी ट्रेलर का टायर उसकी चेसी के अंदर हो गया, मीन्स की प्रॉपर इन्फ्लेट नहीं हो रहे। वैसे हैं पूरे हार्ड, ऐसे नहीं कि नरम पड़ गए, पूरे हार्ड हैं, लेकिन ये हवा थोड़ी सी लीक हो रही ना उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये थोड़ा इन्फ्लेट है, ये पूरे इन्फ्लेट है, देखो अभी नीचे लगा दिए ना। पक्का श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये सही नहीं है। अभी सुई आ गई बिल्कुल 40-50 के पास में, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको लिफ्ट करता हूँ तो वेट हो जाएगा ओवर, क्योंकि ये सुई दो टायरों के ऊपर बाहर आ गया ना, आगे वाले दो टायरों के ऊपर वजन आ गया, एयर बैग हैं वो प्रॉपर इन्फ्लेट हो जाएंगे जहाँ पर रहने चाहिए। अभी ये मेथड मैं आज जाके सीखूंगा कंपनी में कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं सही कर रहा हूँ। अभी देखो पीछे वाला टायर जो है ना वो फ्री हो गया, अभी प्रॉपर बाहर आ गया ना। अभी ये वाली जगह देखो गैप कितना बढ़ रहा है, कौन सा बढ़िया लग रहा है, ग्रीन वाला? मेरे को मालूम था आप लोगों ने यही बोला है, ग्रीन वाला अच्छा है, ये भी भाई बड़ा अच्छा है, ये बड़ा सस्ता पड़ता है, उसमें मेरी वीडियो नहीं बनती। लेकिन हाँ अच्छा, मेरे को भी वही लगता है, बताना मत किसी को। टिम मोटर वो दूसरी तरफ है सड़क के उस पार, तो मैंने अपना ट्रक ना वो उस वाले कॉर्नर से लेके आके यहाँ पे खड़ा कर दिया। रात को मैंने 3 चक्कर लगाए इस पंप के, फिर जाके जगह मिली है, और रात को कल प्लस टेम्परेचर में थे, आज हमको ठंड लग रही है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है भाई, कि जब मैं वहाँ से चाय लेके आऊँगा इतनी दूर तो मेरी चाय जो है वो गर्म रहेगी या ठंडी हो जाएगी। वो वहाँ से लेके वहाँ तक भाग भाग के जाता हूँ, चाय ठंडी हो जाएगी। टिम मोटर के दो फायदे होते हैं, एक तो सुबह सुबह चाय मिलती है अपनी मनपसंद की, दूसरा यहाँ पे फ्रेश होने के लिए मिल जाता है, तो एक ही जगह में दोनों काम हो जाते हैं। ये गई डिफेंडर, आए ओए डिफेंडर गई ओए। कब मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं डिफेंडर भी ले लूँ, रेंज रोवर भी ले लूँ, कब आएंगे इतने पैसे बाबा जी, कब आएंगे? डालनी पड़ेगी कमेटियाँ एक दो और बाबा जी के पास में, शायद कि मैं घर पहुँचूँगा आज। मैं विनीपेग पहुँचूँगा आपका भाई 16वें दिन में मैंने कंपनी वालों को बोलना है कि इस ट्रक को ना शीशे में मड़ा के खड़ा कर दो, क्योंकि इसने इतना साथ दिया ना भाई, एक बार भी चू पै नहीं की इस ट्रक ने, इतनी बाबा जी कृपा रही है, -55 में से होके आ रहा है ये ट्रक तो। लेकिन मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं पैसे लगे हुए हैं, अभी इसे और काम लेना है। कैलगरी वाले लोग और मेडिसिन हेड ब्रुक्स वाले अल्बर्टा वाले लोग बड़ी खुशी मना रहे थे कि टेम्परेचर प्लस में हो गया, लेकिन उनकी खुशी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि आज रात को कल सारा दिन और परसों दोपहर तक ब्लेजर स्टॉर्म चलने वाला है अल्बर्टा में पूरे में। ओए ओए तेरी, दिस इज नॉट फेयर, रुक जाओ। तेल की सुई देखो कहाँ पे जा रही है, और लाइट चली हुई ना ये वाली येलो, तो ये अपनी लाइट है दूसरी, तो यहाँ पे फ्यूल अप करके फिर ही घर जा सकते हैं। ये किस तरह का मुंह करके बैठा हुआ है, इस तरफ तो ट्रक रोड है ही नहीं, यहाँ से आगे ना नो ट्रक रूट है, आप यहाँ से आगे ट्रक लेके नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे ना वो सारा टाउन वाले लोग रहते हैं, उनका रेजिडेंशियल एरिया है ये वाला। वो टार पे डाली हुई भाई ने, भाई तुरंत सी छिड़ जाती है टारपों का नाम सुन के। इस पेट्रो पास से विनीपेग जो है ना पूरा 400 किलोमीटर रह जाता है, 400। ये ग्रैनफिल वाला पेट्रो पास है, जब भी खड़े होना है पंप के ऊपर आके सबसे पहले ये वाली बैन जी है ना, जो लॉग बुक, इसको ऑन में डाल के यहाँ पे फ्यूल की ऑप्शन डाल के सेव कर दो। और बाहर टेम्परेचर पता कितना है, -12 तेना फील लाइक है, हवा चल रही ठंडी वाली। हाँ ये मान गया, ट्रैक्टर में डालना है भाई, मान जा भाई,
मेहनती है तेरे आगे। ओ वाह, एक मिनट में डालो बोलता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये जिसके दिमाग में आया कि भाई लाइट चलने के बाद में ट्रक कितना चल जाता है। अगर आपके पास में सिंगल ट्रेलर है तो 150 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक आराम से चल जाएगा। अगर आपका ट्रक 3 की एवरेज दे रहा है, अगर 3 से कम दे रहा है तो फिर 100 किलोमीटर के आसपास चल जाएगा। अगर आपके पास में बाइक होती है तो बाइक अगर आपकी 25 की एवरेज दे रही है 2.5 की, तो वो भी 100 किलोमीटर आराम से चल जाती है लाइट चलने के बाद में। कैस्केडिया ट्रक की बात कर रहा हूँ। वैसे स्टेप ट्रैक जो ट्रेलर होता है ना, इसकी पर्सनैलिटी ज़्यादा होती है फ्लैट डेक से। 722 लीटर आया, $1,226 का भाई। और एवरेज दी है इसने पूरे ट्रिप की, एवरेज बताऊं 44 लीटर पर 100 किलोमीटर। तो मैं थोड़ा सा आगे निकाल के खड़ा करता हूं। जब आपने डीजल डाल लिया ना तो अपना ट्रक आगे पुल कर लो। ग्रेनफेल वाला पेट्रो पास हो, कितना बढ़िया है, एकदम साफ सुथरा। और ये इसकी कॉइन लॉन्ड्री है। ये मशीनें बड़ी हैं ना दो, ये वाली यहाँ पर कॉइन डालो, आपके कपड़े वॉश हो जाएंगे। मैंने ट्रक आगे करके निकाला, अंदर गया वॉशरूम के लिए, पीछे से ट्रक आ गया। अभी वो अपना डीजल डाल रहा है ना आराम से। ये होती है बात भाई, ऐसा करेंगे शायद हो सकता है कर बड़ा हो बड़ा, तो डू गुड हैव गुड वाला चॉइस रखो, कभी ना कभी तो आपका भी बड़ा होगा। जब मैं इंडिया में था ना, कनेडा नहीं आया था, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि भाई ट्रिपों के पैसे कैसे मिलते हैं, उनके तनख्वाह कैसे आती होगी। अभी आप सब लोगों को मालूम है कि मोस्टली जो कनाडा में काम चलता है वो चलता है माइलों के ऊपर। सिटी में काम करते हो आवरों के ऊपर चलता है, लेकिन अगर आप बाहर काम करते हो लंबा तो माइल्स होती हैं कि कितनी माइल्स आपने निकाल दी, उसके हिसाब से काम चलता है। यहाँ पे ट्रिप थोड़े मुश्किल होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिन लगते हैं और माइलें कम निकलती हैं। वहाँ पे कंपनियाँ आपको परसेंटेज के ऊपर भी ट्रिप होते हैं, परसेंटेज के ऊपर। जैसे मैं ये ट्रिप लगा के आया हूँ, अभी बहुत लंबा हो गया, जैसे 14-15 दिन हो गए, लेकिन इसमें मेरे किलोमीटर ज़्यादा नहीं निकले। मैंने कितने निकाल दिए होंगे, ज़्यादा 11-12 हज़ार किलोमीटर होंगे। काफ़ी हो जाते हैं लेकिन दिनों के हिसाब से काफ़ी नहीं लग रहे। तो ये वाले ट्रिप जो होते हैं ना, हमारी कंपनी जो है वो परसेंटेज के ऊपर बंदों को दे देती है। अभी परसेंटेज मैं आपको एग्जैक्ट बता नहीं सकता क्योंकि अभी मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कंपनी को 10,000 का ट्रिप होगा ना, तो कंपनी का हिसाब होता है किसी ने आपको 15% देना है उसमें से, वो हो गया $1,500। किसी का 20% रेट हुआ कि 20% परसेंटेज ड्राइवर को मिलेगी, तो 10,000 का 2,000 आपका हो गया। किसी की 22 होती है तो 2,200 आपका हो गया। किसी की 25% होती है तो $2,500 10,000 से आपका हो गया। ऐसे काम होता है। इस आइडिया लगा के चलूँगी ये टोटल ट्रिप जो है कंपनी को 20-25 हज़ार का पड़ा है या उससे महंगा होगा, तो मेरे को 20,000 के मिलेंगे $4,000 एज ए ड्राइवर परसेंटेज। उसमें माइलों का कोई हिसाब था अपनी, कितने माइलें निकाली कितनी नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि 12,000 किलोमीटर की जितनी माइलें बनेंगी ना, माइलों से ज़्यादा ही पे होगा परसेंटेज के ऊपर। बाकी देखते हैं कितने का चेक आएगा बाद में भाई। चेक की वेट हर एक को होती है क्योंकि मेहनत की होती है और हमारा कर्म भी है। तो भाई चेक आएगा तो मेरी घर की किस्तें, मेरी और कामों के खर्चे उसमें से निकलेंगे। फ्रिज को लिशका के जाएंगे भाई पूरा। ये कैमरा अपने काम ही नहीं आया, लेकिन अपने अच्छे किए हुए कर्म अपने काम आ गए, जो फाइनली मेरे को विनीपैग की धरती के ऊपर वापस लेके आए। तो मैंने अपना ट्रक यार्ड में खड़ा कर दिया लेके आगे। आज मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे मैंने पहले बताया होगा कि प्रूडू बे को जा रहे थे ना तो वापस आ रहे थे, मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं कभी विनीपैग में वापस जा सकूंगा। ऐसी भी एक दो बार मेरे को ऐसी फीलिंग आई जब मैं रात को अंधेरे में चेने डाल रहा था कि अगर यहाँ पे कोई जानवर आ गया तो मेरे पे हमला भी किया तो कौन देखेगा, यहाँ पे कौन देखेगा, कौन जानेगा कि भाई यहाँ पे कोई इंसान था या नहीं था। लेकिन जब उसका हाथ आपके ऊपर होता है ना तो कोई काम नहीं रुकता। ये मेरे अंदर एक ऐसा भू सवार है कि मैंने हर एक रोड देखना है जहाँ पे लोग जाते हैं। तो मेरे को कोई पूछे तो मेरे को अच्छा लगता है बताने में। और आप लोगों को अपने भाई के ऊपर मान होना चाहिए भाई कि हमारा भाई वहाँ पे हो गया है, जहाँ पे बंदा विंटर में कम सोचता है जाने की। ट्रिप में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जानने पहचानने के लिए मिल गई होगी कि कैसे ऐसे वाले ट्रिप निकालने, सर्दियों में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। पूरी वीडियो को पीछे वाली को आगे वाले को पूरी सीरीज को भर दो लाइकों से कमेंटों से। तो अगर नहीं भी किया किसी वीडियो के ऊपर कमेंट तो जाके करके आओ, ताँ जो भाई जो मेहनत लगी है आपको सलूट है, जो आप लोग इतना प्यार दे देंगे इसको बड़ा कर देते हो, बहुत बड़ा कर देते हो, खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। इसमें सारे मेरे खुफिया डॉक्यूमेंट हैं, तो इससे भी जब भी मैं किसी से डील करता हूँ तो इसी से निकाल के करता हूँ। ये तो अपने किसी काम ही नहीं आया इस बार चूल्हा। बंदा वही कामयाब हो रहा जिसको टाइम की वैल्यू है। साथ ड्राइवर आ गए 7 बजे का, मैंने तेरे को बुलाया 20 मिनट ऊपर हो गए, मेरी अपॉइंटमेंट है किसी के साथ में। आप लोग कभी जिम्मेवारी समझ नहीं सकते अपनी।
ये ट्रक ड्राइवर का बैग है ये। हाँ जी भाई की कहना लेट है। थैंक यू ईपीटी वालों। कहता मैं भाई पास में ही था, पास में। मैं मेरे को फायदा क्या जब तुम पहुंचा ही नहीं टाइम के ऊपर। किसी बंदे की फ्लैट छूट गई फिर इंडिया वाला ट्रिप वधिया रह गया होला। स्पीड घट कर ला ट्रिप तेरा आ माड़ा हो जाने। 70 दी स्पीड ही थे 80 ते लई फिरने आ तो पुलिस वाले ने तेरा ट्रिप कैंड बना देनी। मेरा ट्रिप भाई हर कोई कैंड ही होता है। हम चढ़ती कला में रहते हैं हर टाइम, चंगे चाहे माड़े, कैसी भी हालात में होते हैं हम चढ़ती कला में होते हैं। जब बोलना पड़ता है, कवर करना पड़ता है, टॉल बनाना पड़ता है, वहाँ पे टांगे कांप रही थी अपनी। दो चार बंदों से पैसे पकड़ के ना पहले इसके बाल कटवाते हैं आज। मैं कटोने नहीं बाल जी चलाले किट कैट खाने जाई जंगा ले ला ले टाउन दा नाम मिले तन्नु धन्यवाद। ओके भाई चल ठीक है भोली जाई हुण। तो ये अपने गांव का भाई है, इनसे भी अपना प्यार है। शुक्र है बाबा जी आपका भाई आ गया वापस एक बार फिर बैक इन टाउन एंड बैक इन हाउस। जितना मर्जी ऊंचा बोलो क्योंकि हम ही हैं घर में और कोई घर में नहीं। घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं है भाई क्योंकि घर वाले घर नहीं है भाई। रोटियां मैं बाहर से पकड़ के लेके आऊंगा और खाएंगे आराम से बैठ के। और आज की नींद जो होगी ना, आज की नींद, वैसे तो मेरे को गुजेंद्र के घर में एडमिंटन में बहुत ज़्यादा नींद आई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके भी नींद अभी बड़ी अच्छी आने वाली है। और बहुत सारे व्लॉग मैंने काट काट के डाल देने सारे यूट्यूब के ऊपर। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरे को आस है कि जब तक ये वाली सीरीज खत्म हो रही होगी अपने 800,000 सब्सक्राइबर हो जाने वाले होंगे। अगर नहीं हो जाने वाले होंगे तो मैं ये वाली लाइन काट के अपनी बेइज्जती को बचाऊंगा, क्योंकि भाई जब अच्छा कर रहे होते तो अपने आप बढ़ जाते हैं। लेकिन आप लोगों का प्यार, जो अथाह प्यार आपको कमेंट में मिलता है ना, उसको मैं हर बार सलूट करता हूँ, ये भी सलूट करता हूँ। और मैं आज भी पाकिस्तान वाले भाइयों का वादा जो मैंने किया है उनसे वो भूला नहीं हूँ। तो जब भी इस बार इंडिया आऊँगा ना, मैंने यहाँ से वीज़ा लगवा के फिर ही निकलना है। बाकी करने वाला वो मालिक होता है, उसका शुक्रिया अदा मैं हर टाइम करता रहता हूँ। लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, रब रखा। बहुत सारे बंदों के मन में ये सवाल होगा कि भाई अभी भाई कहाँ जाएगा, तो भाई निकालेंगे कोई ढूंढ के ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपको मजा आए और मेरे को भी मजा आए। बाय बाय।